हेलो वर्ल्ड, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये एल शेप की आस्तीन वाली कुर्ती कटिंग करेंगे, जिसको चौकोर स्लीव्स वाली कुर्ती भी कहते हैं। तो ये मैंने कपड़ा इस तरह से सेट कर लिया है, दोनों फ्रंट और बैक को मैंने इस तरह से तय लगा के सेट कर लिया है। ओपन वाली साइड इस तरफ है और बंद वाली साइड मेरी तरफ है, और ये कुर्ती का ही एक डिज़ाइन की तरह का कपड़ा है। तो मैंने इसकी जो लेंथ है वो अपने अकॉर्डिंग कट कर ली है, अलग करके तकरीबन 43 इंचेस मैंने इसकी लेंथ निकाल ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ, अपनी कुर्ती की लेंथ निकाल लें। अब हम इसकी कंधे की कटिंग करेंगे, यहाँ से तीरे की। तो तीरे की कटिंग के लिए बस हमें इन दो तीन बातों का ख्याल रखना है। तीन तरीक़ों से तीरा कटिंग होता है। एक तो जो नॉर्मल हमारी कमीज़ की का तीरा होता है उसके मुताबिक हम उसकी कटिंग करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको थोड़ा सा, जो ख़वातीन डाउन शोल्डर पसंद करती हैं वो थोड़ा सा 1 इंच आधा इंच बढ़ा के कटिंग करती हैं, या फिर जिनको बिल्कुल फिक्स और ऊपर उठा हुआ कंधा पसंद हो वो आधा या 1 इंच कम करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको नॉर्मल कंधे से आधा इंच कम लिया है, लेकिन यहाँ पर जो हमने कटिंग करनी है उसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ पे मैंने जो कंधा कटिंग किया है, तीरा कटिंग किया है, उसको मैंने आधा इंच कम लिया है। मेरी 8 इंच की कटिंग आती है तो मैंने इसको 7.5 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पे जो सीधी सीधी आर्म होल की कटिंग है इसको मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच इसको हमने बढ़ा के लेना है, उसी तरह से जैसे हम नॉर्मल कंधे में लेते हैं। इसको हमने छोटा नहीं करना, थोड़ा सा बल्कि इसको हम बड़ा इधर से रखेंगे तो हमें आसानी से कुर्ती पहनने में आसानी होगी। इस तरह से हम लाइन लगा लेंगे, और यहाँ पे अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। ये लूज़ कुर्ती है तो इसलिए हमने इसको खुला खुला बनाना है। चेस्ट में का निशान मैं 12 इंचेस पे लगाऊंगी। आप इसको चेस्ट से अपने अकॉर्डिंग फिट भी रख सकते हैं और लूज़ भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे ये बन सकता है कुर्ता। इस कुर्ते का यही फ़ायदा है कि इसको लूज़ भी बनाया जा सकता है, और यहाँ से चेस्ट से अगर आप इसको फिट रखना चाहते हैं तो पूरी पूरी फिटिंग भी आप रख सकती हैं। तो यहाँ पर हमने साइड की सिलाई का जो निशान लगाना है, नॉर्मल से हम थोड़ा सा ज़्यादा लगाते हैं। यहाँ पे मैं 15.5 इंचेस पे या 16 इंचेस पे निशान लगा लूँगी। 15.5-16 नॉर्मल इसकी कुर्ते की यहाँ पे मार्किंग होती है। मैंने 15.5 इंचेस पे निशान लगाया है, वैसे 17 इंचेस पे भी इसकी निशान इसका लगाया जा सकता है। और हमने फिटिंग की कोई मार्किंग नहीं कर दी, सीधा सीधा बस हमने चेस्ट को और हिप लाइन को मिला देना है। फिटिंग की मार्किंग इस कुर्ती में नहीं होती। ब्रांड के कुर्तों में इसी तरह से ये सिलाई कटिंग होती है इसकी। यहाँ पे हमने इसकी कोई राउंड शेप कटिंग नहीं करनी और ना ही कोई गहराई की करनी, और ऊपर से भी कोई कंधी किराने की जो कटिंग होती है वो भी नहीं करनी, बस सीधी सीधी इसकी कटिंग है। ये दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और उसकी कटिंग करनी है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आसानी से ये एल शेप की कटिंग हो जाती है। यहाँ पे कंधे और तीरे में मैंने स्टिचिंग मार्जिन का रख लिया था, लेकिन इधर से मैंने नहीं रखा था, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा के मैंने कटिंग कर रही हूँ। और मैं इस कटिंग को नीचे तक ले जाऊँगी ताकि इसकी अच्छी सी ए लाइन शेप बने और कुर्ते की लुक बिल्कुल ब्रांड लुक आए। हिप की मेजरमेंट मैंने 25 इंचेस रखी है, यानी कि मैंने इसको 12.5 इंचेस रखी थी। इसी तरह घेरा भी मैंने इसका ज़्यादा ही रखा है क्योंकि ये ए लाइन शेप में बनेगा। तो इस तरह से इसकी लूज़ लूज़ सी कटिंग हो गई है। इसी तरह से निशानात के मुताबिक हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसके स्लीव्स भी बिल्कुल इस तरह से सीधे सीधे ही कटेंगे, क्योंकि ये कंधा एल शेप है तो स्लीव्स भी बिल्कुल इसी तरह चौकोर कटेंगे।
ये देखिए मैंने स्लीव्स दोनों स्लीव्स को इस तरह से सेट कर लिया है और अपनी मैं इसमें से लेंथ निकाल लूँगी। 22 इंचज पे मैं मार्क कर लूँगी। इसके स्लीव्स थोड़े से लंबे लंबे होते हैं क्योंकि मैंने कंधे को थोड़ा सा 1/2 इंच छोटा रखा है, तो मैंने स्लीव्स को भी लंबा ही लिया है। आगे मैं लैस लगा के इसकी और लेंथ बढ़ाऊँगी ताकि स्लीव्स छोटे ना लगें। तो ये जो डिज़ाइनिंग वाला जो बॉर्डर सा है इसको मैं कंधे पे लेके आऊँगी। कंधे पे ये अच्छा लगेगा और बाजू के आगे मैं लैस लगा लूँगी। तो ये देखिए बस मैं ये जो बॉर्डर वाला डिज़ाइन है इसको मैं कंधे पे लेके आऊँगी और इस तरह से इसको रखना है। मार्जिन जो है सिलाई का ऊपर से भी मैंने ले लिया है, नीचे से भी मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है और इंचेस टेप से भी मैं मेजर करके आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने तकरीबन 9.5 इंचज लिया है। नाइन पॉइंट 5 इंचज पे मैं इसको मार्क करके निशान लगा के मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा फोल्डिंग में जाएगा, ये देखिए इस तरह से मैंने 9.5 इंचज पे मार्क कर लिया है और आगे से मैंने इसको बहुत खुला रखना है। कुर्ते का खुला खुला अच्छा लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लें, खुला रखना चाहें या थोड़ा सा फिट रखना चाहें ये आपकी मर्ज़ी। मैंने 10.5 इंचज पे मार्क किया है और इसको इस तरह से ए लाइन शेप दे के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आपको ज़्यादा खुला पसंद ना हो तो आप इसकी आगे से फिटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा तंग रख सकते हैं इसको। ये वाला डिज़ाइन मैंने कंधे पे डालना है और आगे मैंने लैस लगानी है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको निशान लगा लूँगी, कट लगा लूँगी। देखिए ये कितनी आसानी से कटिंग हो गई है कुर्ती, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ये बहुत आसान है। ना इसकी कोई फिटिंग करनी होती है, ना इसके दरमियान की फ्रंट बैक की कोई कटिंग करनी होती है और ना ही ऊपर से कोई हमने इसको कटिंग करनी है कंधी गिराने की। सीधी सीधी इसकी एल शेप कटिंग है, सिर्फ मेजरमेंट का आपने ख्याल रखना है। अगर आपको कंधा बहुत फिट फिट पसंद है, ऊपर से तीरा खड़ा हुआ पसंद है, तो आप इसको 1/2 इंच कम रख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।